वेलकम परीक्षा इंस्टीट्यूट, इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आपकी अपनी क्लास, डिटरमाइनर की क्लास। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपकी अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन है, डिटरमाइनर आर दोज वर्ड दैट मॉडिफाई इन सम मैनर्स विच दे आर यूज्ड आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। मतलब परिभाषा में क्या बताया गया है, डिटरमाइनर्स वे शब्द हैं जो किसी रूप में अपने आगे प्रयुक्त नाउन को संशोधित यानी मॉडिफाई करते हैं। तो नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, डिटरमाइनर करते हैं। तो इनका जो पोजीशन होता है, मतलब कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इनकी पोजिशन जो होती है वो आपके डिटरमाइनर्स पहले आएंगे, ठीक है, डिटरमाइनर पहले आएंगे, डिटरमाइनर पहले होगा, फिर बाद में आपका नाउन होगा, ठीक है। नाउन से पहले डिटरमाइनर्स का यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए, ही गेव मी ऑल मैंगोज। तो यहाँ पर मैंगोज जो दिया गया है ये क्या है, ये आपका नाउन है। यहाँ पर मैंगोज जो दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, मैंगोज जो है ये आपका है नाउन, और यहाँ पर जो ऑल आपका दिया गया है ये है आपका डिटरमाइनर। तो आपको पता चल गया कि नाउन से पहले डिटरमाइनर का यूज किया जाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस मैटर विल टेक सेवरल मंथ। तो मंथ भी यहाँ पर क्या है, एक तरह से ये भी आपका नाउन है, और सेवरल यहाँ पर अनेक, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका डिटरमाइनर, ठीक है। तो हर जगह आपको देखने को जो भी मिलेगा वो क्या होगा, डिटरमाइनर जो होगा वो नाउन से पहले लगा होगा। यहाँ पर देखिए ईच, ईच भी आपका एक क्या है, डिटरमाइनर है, और बॉय क्या है आपका यहाँ पर नाउन है, तो बॉय से पहले आपका डिटरमाइनर आ गया है। तो ये क्या है सेंटेंस, ईच बॉय प्लेस अ गेम, ठीक है, तो इसमें ईच आपका डिटरमाइनर है। फोर्थ नंबर में आई लाइक दिस गर्ल, तो यहाँ पर देखिए दिस जो है यहाँ पर पहले नाउन से पहले आया है, गर्ल जो है ये आपका नाउन है, और उससे पहले क्या आया है, दिस, जो कि यहाँ पर डिटरमाइनर की तरह इस दिस का प्रयोग किया गया है। अब देखिए फिफ्थ नंबर जो है, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पर ऑन द टेबल, यहाँ पर सम जो है ये क्या है, डिटरमाइनर, और यहाँ पर बुक्स जो है ये क्या है, नाउन है। तो हर जगह आपको देखने को क्या मिल रहा है कि डिटरमाइनर का जो भी यूज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है आपका, हर जगह आपका नाउन से पहले डिटरमाइनर आ रहा है, ये चीज आपको कंसीडर कर लेनी है, ठीक है। विल यू गिव मी मोर मनी, अब यहाँ पर मनी क्या है आपका नाउन है, और मोर क्या है, डिटरमाइनर है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, अब देखिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो नॉलेज जो वर्ड है ये आपका है नाउन, और उससे पहले यहाँ लिटिल जो वर्ड आया है यह आपका डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर का जो यूज होता है वो हमेशा नाउन से पहले ही होगा। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। देखिए आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी फ्रेंड्स जो है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका नाउन है, और यहाँ पर मैनी वर्ड जो इससे पहले आया है ये क्या है, ये डिटरमाइनर है आपका, ठीक है। फिर है सी हैज नो सेंस, अब सेंस देखो यहाँ पर सेंस जो है ये भी आपका नाउन की तरह यूज हुआ है, और नो यहाँ पर डिटरमाइनर है। एप्पल, एप्पल्स ये क्या है, नाउन, और उससे पहले डिटरमाइनर। आई लाइक द एप्पल्स ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पर जो आपका द जो है डिटरमाइनर है आर्टिकल, ठीक है, तो इसका प्रयोग भी नाउन से पहले होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि पोजीशन, ठीक है, पोजीशन जो होगी वो आपकी कैसी होगी, तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आएगा आपका डिटरमाइनर, फिर उसके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है, उसके बाद में नाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपको मेंशन कर लेना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस चीज पर। चलिए विजिट करते हैं नेक्स्ट। डिटरमाइनर्स वे शब्द हैं जो किसी नाउन के बारे में यह बताते हैं कि वह इंडिफिनिट है जैसे ए एन, या डिफिनिट है जैसे द, या उसकी मात्रा संख्या आदि के बारे में बताते हैं, जैसे मैनी सम आदि अलग अलग नाउन हैं, जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल और सिंगुलर प्लूरल के साथ अलग अलग डिटरमाइनर्स का प्रयोग किया जाता है। मतलब डिटरमाइनर्स जो आते हैं वो अलग अलग तरह से प्रयोग होते हैं, सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग, तो सबके लिए अलग अलग डिटरमाइनर्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर डिटरमाइनर्स जो आपके हैं, वैसे तो आपके आर्टिकल्स जो होते हैं वो तो आपके डिफिनिट और
इंडिफिनिट दो ही होंगे, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट्स की बात की गई है, तो डिटरमिनेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स में सबसे पहले वन नंबर्स पे आपका क्या आता है, आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल क्या है, ए एंड द, ये तीन आर्टिकल्स आपके होते हैं। फिर है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिमोनिस्ट्रेटिव, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटिव कहें या फिर डिमोनिस्ट्रेटिव कहें, जिसमें क्या आता है दिस दैट दिस दोज, ये आपके डिमोनिस्ट्रेटिव होते हैं आपके डिटरमिनर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी फायर्स, मतलब क्वांटिटी मात्रा बताने वाले डिटरमिनेंट्स कौन से हैं, सम एनी नो एवरी ईच इधर नीदर इनफ मच ऑल बोथ मैनी फ्यू लिटिल सेवरल सेवरल सॉरी। तो ये आपके क्या थे डिटरमिनेंट्स, ऐसे थे जो किसके बारे में बता रहे थे, ये सभी डिटरमिनेंट्स किसके बारे में बता रहे थे, क्वांटिटी फायर्स थे, यानी कि मात्रा के बारे में बता रहे थे। अब बात करते हैं कार्डिनल नंबर्स, अब देखिए कार्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो भी आपके आते हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स, ये नंबर्स जो होते हैं ये भी एक तरह से डिटरमिनर्स का काम ही करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरह से आपके जितना आप कहें वो सारे डिटरमिनर्स में ही आएंगे, काउंट होंगे। फिर बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स की, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इसमें ये तो होते ही हैं टेंथ जितना भी आप जो भी कहें, नेक्स्ट एंड लास्ट और अदर, ये जो है ये भी आपके जो नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स हैं, वो भी आपके नंबर्स, ये भी आपके ऑर्डिनल नंबर्स में ही काउंट होते हैं। फिर बात करते हैं पोसेसिव की, ये क्या होते हैं, जिसमें आप प्रोनाउन को देखने को आपको मिलेगा, ये भी आपका डिटरमाइनर्स का काम करते हैं, ठीक है, ये भी आपके डिटरमाइनर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये भी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, ये भी नाउन की विशेषता बताते हैं एक तरह से। जो भी डिटरमाइनर्स होते हैं वो एडजेक्टिव का काम ही करते हैं, एडजेक्टिव ही होते हैं। बात करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के, तो डब्ल्यू एच फैमिली में भी डिटरमाइनर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे व्हाट है, विच है, हुज है, ठीक है, ये आपके एक्सेट्रा, ये आपके डिटरमाइनर्स आपको इंटरोगेटिव डिटरमिनेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो डब्ल्यू एच फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर डिटरमिनेंट्स की आपके कुछ दी गई हैं, जैसे सबसे पहले आर्टिकल इसमें दिया गया है, एंड आर्टिकल इज द वर्ड दैट मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब द नाउन, आर्टिकल्स क्या होता है जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में वर्णन करता है उससे पहले आ करके। आर्टिकल कौन कौन से हैं, जैसे ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और डिफिनिट आर्टिकल्स क्या है, द, ये आपके आर्टिकल्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से भी आप यहाँ समझ सकते हैं, डॉग इज अ गुड पेट, एंड एन ऑस्ट्रिच वुड बीट अ चिकन इन द रेस, द डॉग इज बार्किंग टू लाउडली। तो यहाँ पर द एंड अ ये सब क्या है, आर्टिकल्स आए हैं। पोसेसिव में आपको अभी देखा ही है, माई माइन हिज हर्स इट्स माई योर हिज हर एंड इट, तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर पोसेसिव आर्टिकल्स भी आपके लगे हुए हैं सेंटेंस में, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पॉजिटिव आर्टिकल्स लगे हुए हैं। फिर है डिमोनिस्ट्रेटिव एंड डिटरमिनर, देखिए डिमोनिस्ट्रेटिव डिटरमिनर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, अभी आपने पॉजिटिव पढ़ा, पॉजिटिव क्या करते हैं, प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव इंडिकेट हु एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दे डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम द स्पीकर्स व्यू पॉइंट, ये क्या होते हैं, दिस दैट दोस दीज, ये अभी आपने देखा ही है, और इनका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं सेंटेंस में इस तरह से, ठीक है, ये आपके डिमोनिस्ट्रेटिव होते हैं जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं। क्वांटिटीफायर्स क्या है, क्वांटिटीफायर्स ऑल फ्यू मैनी, ये आपके क्वांटिटीफायर्स होते हैं, जैसे इसमें बताया गया है दे डिस्क्राइब हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ द नाउन इज बींग डिस्कस्ड, तो यहाँ पर ऑल फ्यू मैनी ये आपके क्वांटिटीफायर्स आपके एडजेक्टिव हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके दे माइट refers to and each, ठीक है, they might refer to and each either all both each parents, अब देखो अभी आपने each के बारे में पढ़ा भी था, तो क्या है each, क्या है यहाँ पर demonstrative आपका determiner है, ठीक है। फिर है determiners, कुछ important determiners अलग से दिए गए हैं, जैसे कि entire group of each individual inside it, तो group को संबोधित करने वाले जैसे half, either, नीदर, जैसे ईच इधर नीदर, ये सब क्या है, ग्रुप को संबोधित करने के लिए डिटरमिनेंट्स का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले वन पॉइंट की, जो कि आपका था आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, देखिए आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, आर्टिकल भी एक तरह का क्या होता है, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव होता है, तो आर्टिकल भी एक तरह का एडजेक्टिव होता है।
आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिफिनिट एंड सेकंड इज डिफिनिट। इंडिफिनिट को अनिश्चयवाचक आर्टिकल्स कहा जाता है, जिसमें आता है ए एंड, और डिफिनिट को कहा जाता है निश्चयवाचक, जिसको हम बोलते हैं द। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं आर्टिकल्स आपके। तो फर्स्ट है डिफिनिट आर्टिकल्स, ए किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग घ से लेकर के आपका ह तक दिया गया हो। मतलब हिंदी के जितने भी व्यंजन है, अगर उनका साउंड कोई भी लेटर लेकर आता है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है? ए का प्रयोग करना है, उस वर्ड से पहले ए का प्रयोग करना है। मतलब उसका फर्स्ट लेटर का साउंड अगर इसमें से किसी भी हिंदी व्यंजन का साउंड देता है, तो उसके पहले आपको ए का प्रयोग कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूरोप, यूरोप में ई और यू किसका साउंड लेकर आता है? यू का। ठीक है, यूरोपियन, यूरोपियन। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इससे आपको पता चलता है कि या जो है, या यहाँ पर कैसे किस तरह से आ रहा है, क्योंकि इस तरह से जो भी आया है, तो वो यहाँ पर या जो है, ये आपका हिंदी का कॉन्सोनेंट है। हिंदी हिंदी जितने भी लेटर्स हैं उसका कॉन्सोनेंट है। ऐसे यू, इसमें भी यू से ही शुरुआत हो रही है, तो इसके पहले भी आपका ए ही आएगा। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी आपका ए ही लेगा। ऐसे ही आपका यूटेंसिल, आपका इसके पहले भी ए का यूज करेंगे। यूनानिमस डिसीजन, इसके पहले भी ए का यूज करेंगे। वन, देखिए यहाँ पर इसमें आपको थोड़ा डाउट भी हो सकता है कि ओ तो आपका, ओ जो था, आपने पढ़ा होगा कि ओ जो है ये तो आपका ओवल्स होता है। ठीक है, ये तो आपका ओवल्स होता है, बट यहाँ पर ओ आने पर ए क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ओवल्स से पहले तो आपका एन लगता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका साउंड हिंदी का क्या है? हिंदी का ओ का साउंड यहाँ पर क्या है? वन, व और न। तो वह हिंदी का क्या पड़ गया? आपका व्यंजन पड़ गया, इसलिए इसके साथ में ए का यूज हुआ है। वुडन टेबल, ये भी आपका कभी कभी स्वर का साउंड लेता है, डब्ल्यू और ओ। तो यहाँ पर आपका जो है स्वर नहीं है, तो यहाँ पर व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए का ही यूज करेंगे। और यहाँ पर येलो, तो यहाँ पर भी आपका ए ही आएगा, यूनियन के साथ में ए, यूनिट, यूनिक एंड यूजफुल, वन रुपी नोट। ठीक है, वन वे टिकट, अ ईयर, इव, इसको यू नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको पढ़ा जाता है यू। ठीक है, इसको यू पढ़ते हैं, इसके पहले भी आपका ए ही आएगा, एन नहीं लगाना है। ईयर, इसका आपको पढ़ने में आ रहा होगा, लेकिन इसका होता कैसे, लिखते कैसे हैं? ईयर, ई अ र, ईयर, इस तरह से ईयर लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है एन की जगह पर। तो सबके साथ में यहाँ पर एन का यूज नहीं करके आपको ए का यूज करना है, और आपको लेटर्स भी दिख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडिफिनिट आर्टिकल में आपका सेकंड नंबर, जिसमें आप पढ़ेंगे एन के बारे में। एन देखिए, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के स्वर वर्ण जैसे आ, ई, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ। मतलब कोई भी, यहाँ पर फर्स्ट, देखिए फर्स्ट वर्ण जो है कॉन्सोनेंट को होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो या ना हो, कॉन्सोनेंट है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा आपका एन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साउंड पर इफेक्ट डालना है। ठीक है, आपको फोर्स पूरा कहाँ करना है? साउंड पर। साउंड अगर आपका है, इनका, इनमें से किसी का भी साउंड आ रहा है, तो उसको आंखें बंद करके आपको एन का यूज करना है। जैसे यहाँ पर है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, तो ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट के साथ में कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपका लिखा हुआ है ऑनेस्ट और इसके पहले आप लगा रहे हैं एन, तो ये एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है। अगर आप लिख देंगे ऑनेस्ट मैन, तो एन आएगा। नाउन होना अति आवश्यक है एडजेक्टिव के पहले अगर आप आर्टिकल लगा रहे हैं, तो आएगा वो एडजेक्टिव के अनुसार ही, लेकिन लगेगा किसके लिए? नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, फिर है एन एरस, एरसेस। ठीक है, तो एन एरसेस मतलब इसका होता है उत्तराधिकारणी, तो इसके पहले भी एन का यूज होगा। एन ऑनर्स, एन अम्ब्रेला, एन इंडियन, एन ऑक्स, एंड ईयर, इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, एयर, इसको एंड एयर पढ़ेंगे। ठीक है, एयर, एयर, आवर, एंड एक्स। तो यहाँ पर एक्स देखिए कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन ए ए आ रहा है, इसलिए एन आया यहाँ पर, ये ध्यान देना। अगली, अगली वुमेन, तो अगली अगर होता अकेला तो नहीं आता, लेकिन वुमेन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना है। एंड एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के साथ में एन लगेगा। एंड एक्स, तो इसके साथ में भी आपको
एंड का यूज करना है। ये कुछ वर्ड थे जिससे आपको क्लियर कर लेना था कि आपको किसके साथ, तो साउंड पर इफेक्ट सबसे ज्यादा करना है। अगर साउंड इन वर्ड का है हिंदी के स्वरों का, तो आपको उसके पहले एंड का यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। अ सिंगुलर कॉमन नाउन ऑलवेज रिक्वायर्स एन आर्टिकल्स ए और एन, बट अ प्लूरल कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर्स एनी आर्टिकल और कैन हैव द टू पार्टिकुलराइज दैट नाउन। देखिए, आपके जो भी सिंगुलर होंगे उनके साथ में ही आर्टिकल आप ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं, बाकी प्लूरल तो आर्टिकल्स कोई लेगा ही नहीं। अगर उनको पार्टिकुलरली कोई विशेष संज्ञा आपको देनी हो, तो उसके पहले आप द का यूज करेंगे, ना कि ए और एन का। जैसे आई सा एन एलिफेंट, तो एन जो है यहाँ पर एलिफेंट रेफर्स टू अ रेंडम एलिफेंट, किसी भी एलिफेंट्स को रेफर करना हो तो यहाँ पर रेंडमली आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। आई सा एलिफेंट्स, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर था यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, आर्टिकल एन का यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये है आपका प्लूरल, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल यू रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर किसी आर्टिकल की जरूरत इसीलिए नहीं है। आई हैव सीन द एलिफेंट्स अगेन, तो देखिए एलिफेंट्स वही एलिफेंट्स, तो एक स्पेशलाइज किया जा रहा है, पार्टिकुलराइज किया जा रहा है, तो वहां पर हम उसके पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। रेफर टू द एलिफेंट्स ऑलरेडी, मतलब पहले से उसके बारे में बात की गई थी, फिर से उसी के बारे में बात की जा रही है दोबारा से, तो वहां पर द आप लगाएंगे। आई हैव सीन द एलिफेंट्स अगेन बिफोर लीविंग जू, रेफर्स टू द पार्टिकुलर एलिफेंट्स ऑफ द जू, तो यहाँ पर देखिए किसी भी पार्टिकुलर विशेष हाथी हो या विशेष चीज के बारे में जब भी हम वर्णन करेंगे, तो वहां पर उससे पहले द का यूज करेंगे। विच वॉज सीन अर्लियर, विच वॉज सीन अर्लियर, अब देखिए ये भी इसी का पार्ट था, यहाँ पर 5 नंबर नंबर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ इसी का पार्ट से यहाँ से ये कट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जा रहा है कि सिंगुलर के लिए ए एन का यूज करेंगे, पार्टिकुलराइज करना हो तो द का यूज कर लेंगे आप। फिर ए एन इज यूज टू मेक प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन डू नॉट टेक आर्टिकल्स बट टू मेक इट कॉमन नाउन ए एन इज यूज। अगर इसको देखिए प्रॉपर नाउन को अगर आप कॉमन नाउन की तरह यूज करना चाहते हैं, तो प्रॉपर नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे ही थिंक्स ही इज अ माइकल जैक्सन, अब देखो वो सोचता है, अब यहाँ पर माइकल जैक्सन एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन पहले उसके पहले क्या लगा दिया, ए लगा दिया, तो माइकल जैक्सन क्या हो गया, ये एक कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन नाउन की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉट रेफरिंग टू एक्चुअल पर्सन बट समवन लाइक हिम, मतलब कोई उसके जैसा बनना चाह रहा है। जैसे अगर कोई भी पर्सन उसके जैसा, किसी के जैसा कोई काम करता है, वो कॉमन नाउन में काम, मतलब कॉमन नाउन में काउंट हो जाएगा। सी इज एन इंडियन, अब देखिए सी इज एन इंडियन, वो अब देखिए इंडिया इज प्रॉपर नाउन, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट इंडियन इज कॉमन नाउन, तो इंडियन क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो यहाँ इससे पहले आपका आर्टिकल लग गया। इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन इज यूज टू रेफर नंबर्स समटाइम्स, कभी कभी इंडिफिनिट आर्टिकल्स का ए एन का यूज नंबर रेफर करने के लिए भी किया जाता है, मतलब एक के सेंस में, एक के अर्थ में इसका प्रयोग कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज प्लेइंग विद अ डॉल, वन डॉल, मतलब अ डॉल का मतलब क्या है यहाँ पर, वन डॉल। ऐसी ही आई वो हिम अ थाउजेंड्स बक्स, तो 1000, यहाँ पर अ थाउजेंड का मतलब क्या है, 1000 डॉलर। ही ड्रोव 120 किलोमीटर्स इन एन आवर, एन आवर, एन आवर का मतलब क्या है यहाँ पर, वन आवर है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन प्रीसीड्स डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है, तो इनका प्रयोग कभी कभी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की तरह भी इनका हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे सी इज एन अमेजिंग डांसर, डिस्क्रिप्टिव मतलब एडजेक्टिव के पहले हम लगा सकते हैं, जैसे अभी आपने अनेस्ट के पहले लगाया था, वो भी डिस्क्रिप्टिव था, क्योंकि यहाँ पर डांसर की विशेषता अमेजिंग अच्छी है, लेकिन वो और भी डिस्क्राइब करने के लिए हम उससे पहले भी एक ए एन का यूज कर लेते हैं। व्हाट आर नाइस, तो यहाँ पर भी ये डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। विला, तो ये भी विला आपका नाउन है, ठीक है, और ये आपका एडजेक्टिव था, और उससे पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की काम की तरह काम करता है। इंडिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड विद डिटरमिनर, फ्यू, लॉट, मोस्ट, अब देखिए फ्यू है, लॉट, लॉट है, मोस्ट है, इनके पहले भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ए एन का यूज किया जा सकता है। जैसे देयर इज अ लिटिल ड्रिंक इन द ग्लास, तो अ लिटिल का लिटिल के साथ में भी अ का यूज कर सकते हैं, आप फ्यू के साथ में, फ्यू के साथ में भी आप ए का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप
आपको ये क्लास अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहे। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट, लेकर आते हैं अगले सेशन में डाटा यूज।